भाई जब इसको ना ऐसे घर से लेके आ रहा था तब तो मेरे को लग रहा था कहीं जंप करना नहीं, पर देखो फर्स्ट डे मैंने इसको बैठाया, इसने दो बार जंप करी, चलती गाड़ी से भी नहीं, जब गाड़ी स्लो थी तब। इधर आ, इधर आ, इधर चलो ऊपर, चलो इधर इधर चलो, वेरी गुड। तो क्या हाल चाल है गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पहाड़ी गाय में। और ऑलमोस्ट वन वीक बाद भाई आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो पीछे दिख रहा है आपको शेरू, और मैं अगर आपको सामने दिखाऊं तो सामने है अपनी धन्नो, और ये दूसरी वाली धन्नो भाई आज स्कूटी नहीं है, ठीक है। आपने क्या थंबनेल भी देख लिया होगा, और आपने मतलब जो वीडियो में आगे आने वाले क्लिप्स हैं वो भी देख लिए होंगे। तो आज हम इसको लाए हैं बुलेट पे, पहले भी हम इसको बुलेट पे लेकर नहीं मत चढ़ा भी है, इसको है कि मेरे को ऊपर चढ़ना है, चल यहाँ से। तो पहले भी मैं बुलेट में लेके आ चुका हूँ, इसका चल रहा है ये ट्रेनिंग सेशन कि कैसे बुलेट पे बैठना है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ हम जाने वाले हैं केदारनाथ। नो नो भाई, ठीक है, नेक्स्ट मंथ हम जाने वाले हैं केदारनाथ। सो वीडियो होने वाली भाई इंटरेस्टिंग, मैं इसको ट्रेन कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट भाई शेरू बैठ सीख चुका है बुलेट के ऊपर बैठना। तो चलो ले चलते हैं आपको, ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए आज का व्लॉग करते हैं शुरू। वक्रतुंड महाकाव्य सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नम कुरुदेव सर्वकार्य सुसर्वदा ओम गणेशाय नमः। तो मैं करता हूँ बुलेट को स्टार्ट एंड हम चलते हैं पहले इसको थोड़ा सा रास्ते में, जैसे कि मैं डेली इसको दौड़ाता हूँ आगे तक दौड़ाते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे छत्तरपुर तक जाकर यू टर्न लेके आते हैं, देखते हैं इसका अच्छे से बैठ पाता नहीं पाता। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि ये जंप नहीं कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड थिंग, क्योंकि टेंशन नहीं होती कि चलती गाड़ी से जंप करेगा, जब तक मैं इसको बोलूँ ना ये जंप नहीं कर रहा है। तो चलो फटाफट से यार करते हैं, दिखाते हैं तुम्हें शेरू का कमाल आज। तो गाइस लेट हो गए हमें, रोड पे काफ़ी ट्रैफिक हो गया, तो अभी क्या करते हैं आगे वाले कट से यू टर्न लेकर निकलते हैं घर को। लोगों ने आज तक ऐसा कुछ देखा ही नहीं, बुलेट के ऊपर मैं जो डॉग बैठा हुआ है देखो हर कोई देख रहा है। आइए शेरू तेरी बदमाशी है भाई, आगे वाले कट से हम यू टर्न लेंगे। नो अभी थक गया, तो देखो सामने एक ब्लैक जर्मन शेफर्ड था, कुछ नहीं करा उसने। आगे वाले कट से हम यू टर्न लेने वाले हैं अंकल। बैठा रहा बेटा, बैठा रहा शांतिपूर्ण तरीके से, वेरी गुड, ऐसा ही बच्चा बनना है तेरे को, पीछे चुपचाप रहना है, किसी के नहीं भागना है, ठीक है ना। हर कोई देख रहा है कि बहन चुदी है, क्या बवाल है, नहीं बैठा रहा शांति से बैठा रहा, तो यही तो बवाल है भाई। तू बड़ा भाई, जब इसको ना ऐसे घर से लेके आ रहा था तब तो मेरे को लग रहा था कि कहीं जंप करना नहीं, पर देखो फर्स्ट डे मैंने इसको बैठाया, इसने दो बार जंप करी, चलती गाड़ी से भी नहीं, जब गाड़ी स्लो थी तब, और आज इसका सेकंड टाइम है भाई, इसने कोई जंप नहीं करी, कोई जंप नॉट इवन अ सिंगल टाइम कहीं पे भी। हाँ भौंक रहा है, भौंकेगा भौंकता रहेगा, ऐसा नहीं कि भौंकेगा नहीं भाई, कुत्ता है यार भौंकेगा नहीं तो क्या मतलब, लेकिन कोई जंप नहीं करी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जर्मन शेफर्ड भाई बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रीड होती है, उसको पता है कि उसको क्या करना है, उसको पता है कि उसको कैसे बिहेव करना है। अभी क्या है कि गाड़ी खाली है ना, तो ये एक साइड हो रखा है, तो वेट हल्का सा एक साइड को जा रहा है, बट होगा क्या बाद जब मैं कहीं घूमने जाऊँगा तो पूरी लद जाएगी मेरी गाड़ी, दो सैडल बैग ऊपर से कैंपिंग गियर्स ये वो टैंक बैग सब कुछ लगने वाला है इसमें, तो तब क्या होगा, तब इतनी दिक्कत नहीं होगी, अब गाड़ी डिसबैलेंस इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी अभी हो रही है। वैसे कोई डिसबैलेंस नहीं है, मैं एकदम 30-40 पे चल रहा हूँ, मुझे पता है कि हाँ, लेकिन फिर भी आई नीड टू बी केयरफुल। देख रहे हो एवरीवन देख रहा है कि भाई ये क्या बवाल है, बस दिक्कत पता क्या है कि अगर डॉग इसके पीछे पड़ गए, मतलब चलती रोड पर अगर डॉग इसके पीछे पड़ गए तो उस केस में बस ये जंप ना करे, क्योंकि दो तीन बार डॉग्स आए इसके पीछे, इसने जंप नहीं किया, तो दैट इज़ वेरी गुड, मुझे लगता है कि ये नहीं जंप करेगा, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते हैं। देखो बैठे ओए होए, चल बड़े एक थंबनेल के लिए
लोग कुछ कहना चाहते हैं लेकिन लोग बोल नहीं पा रहे हैं। और अभी तो जिस दिन मैं एकदम बाहर जाने के लिए निकलूंगा उस दिन देखा पूरे गियर्स के साथ मेरा वो हेलमेट में पूरे, तुमने अभी मेरा हेलमेट नहीं देखा तो जो मैं देहरादून गया था वो वाली वीडियो पड़ी होगी मेरी, उसमें जाके देखो तुम, तुम्हारे भाई का क्या ज़बरदस्त हेलमेट बना हुआ था। आप देखो सामने आ गए गाय, तो ये मेरे लिए है भाई एग्ज़ाम। आप देखो इसने कुछ नहीं किया, पास हो गया, पहला एग्ज़ाम पास, वेरी नाइस माई डियर फ्रेंड, वेरी गुड। ओके सेकंड एग्जाम पास, व्हाट अ ऑसम गाइस, ऑसम। नहीं अब आगे लेफ्ट मुड़ते होते हैं डॉग भाई, लेफ्ट मुड़ते होते हैं डॉग, देखते हैं कुछ करता नहीं कहता। अब यहाँ वाला जो डॉग है वो इतना अग्रेसिव है वो पीछे पड़ जाएगा देखना, और ये भी फिर भौं भौं करेगा, ये हिलेगा डुलेगा इधर उधर घूमेगा, नो ब्रेक। तो उसमें उस केस में क्या है कि अपना डिसबैलेंस हो सकता है, पर होपफुली कि वो कहीं खाना वाना खाने गया हो। अभी जब भी मैं आता हूँ एक दो बार ही मिला है वो, लेकिन भाई साहब उसका तो अलग लेवल का गेम प्ले है। तो इधर अपने को क्या है कि नहीं मिला, दैट्स वेरी गुड। तो भाई एक हफ्ते बाद, भाई एक हफ्ते बाद अप्रोक्सीमेट वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मेरी हो गई थी तबीयत खराब, शेरू का भी हो गया था इन्फेक्शन, शेरू भी नाउ ठीक है, मैं भी मच बेटर। और भैया जी हमको जाने दो, जाने दो, जाने दो भैया जी, भैया जी। ए क्या इधर आ, इधर आ, तेरे को किसने पता करने के लिए, किसने बोला? भाई मैं जा रहा हूँ, उड़ उड़ इधर आ, इधर आ, ऊपर 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 ऊपर, चलो ऊपर चलो, जा इधर इधर आ, इधर इधर चलो ऊपर, चलो इधर इधर चलो, वेरी गुड। अगर मैं रोकता नहीं तो शायद ये उतरता नहीं, बट जस्ट बिकॉज कि मैंने रोका तो ये उतर गया। दीदी जी हमको भी जाने,